जय हिंद दोस्तों। आज का ये प्लान 30x40 के प्लाट के ऊपर बनाया गया है। पूरा प्लान वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग आपके लिए रेडी किया गया है। अगर आपको रियल में प्लान समझना है तो पूरे को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको बहुत ही आपके फ़ायदेमंद वास्तुशास्त्र की टिप्स बताने जा रहा हूँ और बहुत सी चीज़ें ये भी बताऊँगा कि आप कैसे कम खर्चे में वास्तु के अकॉर्डिंग पूरा प्लान रेडी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपका पूर्वमुखी मकान है, यानी ईस्ट फेसिंग मकान है। ईस्ट फेसिंग मकान है, ओके। आगे की तरफ इसके पूर्व दिशा है। 30 फीट इसकी आगे से चौड़ाई है, 30 फीट ही पीछे से चौड़ाई है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, पूरे प्लान को अच्छे से समझिए। 40 फीट इसकी पूरी लंबाई है, दोनों तरफ से 40 फीट। तो 30x40 का ये प्लान है। 1200 स्क्वायर फीट टोटल इसका मेजरमेंट हो गया, यानी 1200 स्क्वायर फीट में टोटल आपका मकान बन जाएगा। कोई भी मिस्त्री मकान बनाता है तो वो स्क्वायर फीट के हिसाब से रुपए लेता है, ठेका लेता है। तो आपको स्क्वायर फीट का पता होना चाहिए कि अपना मकान कितने स्क्वायर फीट का है। टोटल ये 1200 स्क्वायर फीट का आपका प्लाट है, जिसमें आपका 1000 स्क्वायर फीट टोटल आपका काम होगा, यानी मकान जो बनेगा वो 1000 स्क्वायर फीट में आपका बन जाएगा, ओके। तो आगे इसके पूर्व दिशा यानी ईस्ट है, पीछे की तरफ इसके पश्चिम दिशा है यानी कि वेस्ट है, इस साइड में इसके उत्तर दिशा है यानी कि नॉर्थ है, और इस साइड में जैसा कि आपको पता है लास्ट है वो है साउथ यानी दक्षिण दिशा है, ओके। अब देखिए प्लान स्टार्ट करते हैं। आगे से इसकी मेन रोड निकल रही है, ठीक है। रोड से हम जैसे ही घर में एंटर करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर हमारा लोहे का गेट लगेगा, एंट्रेंस गेट। इससे हम घर में एंटर करते हैं तो हमने ये पार्किंग एरिया दिया है पूरा आपकी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर खड़ी करने के लिए। तो ये 13 फीट की चौड़ाई में है, 13 फीट इसकी चौड़ाई है और यहाँ से 9 फीट 3 इंच इसकी लंबाई है। तो 9 फीट 3 इंच बाय 13 फीट ये पार्किंग एरिया, आराम से आप अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, इस पूरे मकान के चारों तरफ हमने घर के अंदर ही प्लाट में 2 फीट की देखिए गैलरी छोड़ी है, पूरे प्लाट में पीछे से लेके आगे तक। तो यहाँ पर हमने 2 फीट की चारों तरफ गैलरी छोड़ी गई है। आगे की तरफ हमने आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यानी 2-4 अपने हिसाब से आप जगह छोड़ सकते हो, जितनी आपकी एक्स्ट्रा जगह बच रही है या आप जितनी भी जगह आगे रखना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट साइड में हमने 2 फीट जगह छोड़ी है प्लाट में। पार्किंग के अंदर इस साइड में जैसा कि आपको पता है ये ईशान कोण है, तो यहाँ पर आपका भूमिगत पानी का टैंक लगेगा। पार्किंग से इधर हम एंटर करते हैं तो देखिए ऐसे आपकी सीढ़ियाँ जाएगी दक्षिण की तरफ, फिर घूम के आपकी उत्तर की तरफ छत के ऊपर सीढ़ियाँ खुल जाएगी। सीढ़ियों के नीचे का पूरा हॉल भी खाली रहेगा। सीढ़ियों की ये जो दीवार है इससे बड़ी एक खिड़की हमने आगे की तरफ ओपन रखी है, जिससे सीढ़ियों में काफ़ी अच्छी रोशनी आएगी। और सीढ़ियों के इस साइड में जो दीवार है इसमें भी हमने बड़ी कांच की विंडो के लिए एक ऑप्शन रखा है, ताकि आपकी पूरे सीढ़ियाँ काफ़ी सुंदर दिखाई दे। अब देखिए हम घर के अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ से पार्किंग से हम घर के अंदर इस गेट से एंटर करेंगे। आपके अंदर का जो लकड़ी का जो गेट होता है वो यहाँ लगेगा। इससे हम जैसे एंटर करते हैं तो देखिए 13 फीट 7 इंच की चौड़ाई में और 11 फीट की लंबाई में ये आपके घर का आंगन हो गया है, यानी क्या हो गया है, घर का आंगन हॉल हो गया है। तो ये काफ़ी स्पेसफुल बड़ा हॉल है। इस हॉल में देखिए एक इस दीवार में बड़ी खिड़की रखी गई है जो आपकी साइड में गैलरी में ओपन हो रही है। गैलरी रखने का ये सबसे बेस्ट फ़ायदा है कि अगर आपके पड़ोस में इधर भी मकान है, इधर भी और इधर भी मकान है, तो आपकी खिड़कियां खुलेगी कहाँ। तो अगर आपके घर में आप 2 फीट के लगभग गैलरी रख देते हैं और खाली स्पेस रख देते हैं तो आपकी सब खिड़कियां खुल जाएगी, वो पूरा घर काफ़ी खुला खुला और अच्छा लगेगा। पैसे लग ही रहे हैं तो बेस्ट घर बनाइए ना, 2 फीट जगह में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपकी देखिए इस खिड़की से काफ़ी अच्छी पूरे हॉल में रोशनी होगी। एक खिड़की हॉल की हमने देखी पार्किंग एरिया की तरफ इस दीवार में रखी है, तो 2 खिड़कियाँ आपकी हॉल में हो गई है, तो काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और हॉल काफ़ी आपका खुला खुला और हवादार रहेगा, रोशनी से भरपूर। अब देखिए यहाँ पर हमने पूजा घर का ऑप्शन रखा है, जैसा कि आपको पता है ये ईशान कोण में है, तो यहाँ पर आपका पूजा घर रखा है, काफ़ी सुंदर आपका पूजा घर लगेगा। पूजा घर की एक वेंटिलेशन विंडो हमने बाहर रखी है, आप इधर इस दीवार में भी रख सकते हैं अगर आपको कोई खिड़की रखनी है। तो पूजा घर काफ़ी सुंदर यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। फिर देखिए ये कॉर्नर इधर का पूर्व दिशा के प्लाट में, ये कॉर्नर में अग्नि कोण होता है, तो यहाँ पर आपका रसोई घर होना चाहिए। तो मैंने ये रसोई घर रखा है 10 फीट 2 इंच बाई 11 फीट 9 इंच का ओपन रसोई घर रखा है, यानी कि इसका कोई गेट नहीं, पूरा ओपन आपके
आंगन में पूरा ओपन अटैच रहेगा, जिससे कि रसोई घर बहुत सुंदर लगेगा। आपकी जो पट्टी लगेगी वो आपकी रसोई घर में ऐसे लगेगी, ऐसे एल में। इस साइड में आपका पानी का सिंक लगेगा, उत्तर साइड, उत्तर की दिशा में पानी का जो वाशबेसन सिंक है वो यहाँ लगेगा। गैस चूल्हा आपका यहाँ लगेगा, और इस दीवार में एक खिड़की पार्किंग, ये जो आपकी सीढ़ियों के हॉल है इसमें एक खिड़की ओपन हो जाएगी, और एक खिड़की आपके इधर ओपन हो जाएगी। तो दो खिड़कियाँ देखिए कितनी सुंदर लगेगी, आप सोच के देखिए, तो काफ़ी सुंदर ये लगेगी। यहाँ पर आपका गैस चूल्हा लगेगा, ताकि खाना बनाते समय जो महिला का, घर की महिला का फेस हो पूर्व की तरफ हो। अलमारी बनेगी वो इस साइड में इतनी दूर तक बनेगी, और पूरा ओपन रहेगा, जिससे पूरा आपका किचन बहुत सुंदर लगेगा, और ये पूरी स्पेस का आपका यूज हो जाएगा। ओके, आंगन में यहाँ पर आपके सोफे वगैरह सेट हो जाएंगे आराम से, टीवी यहाँ पर इस दीवार के ऊपर टीवी सेट हो जाएगा, तो कितना सुंदर लगेगा, आप प्लान देख के सोच सकते हैं ये चीज़। फिर देखिए, आंगन में हमने एक अटैच यानी कॉमन लेटरिन बाथरूम दिया है। लेट बाथ 4 फीट बाय 6 फीट का, 4 फीट चौड़ाई है, 6 फीट लंबाई है, काफ़ी बड़ा लेटरिन बाथरूम है। पीछे की तरफ देखिए वेंटिलेशन विंडो ओपन हो जाएगी, तो इसकी नेगेटिव एनर्जी आपके आंगन में नहीं आएगी, पूरी पीछे की तरफ वेंटिलेशन विंडो से पूरा एकदम आपका ये इसका वेंटिलेशन हो जाएगा। फिर देखिए ठीक सामने हमने एक लेटरिन बाथरूम और दिया है, 4 बाई 7 फीट का, 4 फीट इसकी चौड़ाई है, 7 फीट लंबाई है। अब इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ, फर्स्ट में मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए हॉल से हम इधर एंटर करते हैं, तो एक रूम दिया है हमने 10 बाई 11 फिट का, जिसमें एक खिड़की हमने आंगन में देखी, खोलिए कितनी सुंदर लगेगी ये खिड़की। एक खिड़की हमने साइड में ओपन की है इस आपके ये ओपन एरिया में, गैलरी में, तो दो खिड़कियां काफ़ी सुंदर लगेगी आपके रूम में। अब मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप इस लेटरिन बाथरूम को इस रूम में अटैच रखना चाहें, तो आप अटैच भी रख सकते हैं। इसका गेट यहाँ से बंद करके इधर ओपन कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। इसका वेंटिलेशन विंडो पीछे की तरफ ओपन हो ही जाएगा। ओके फ्रेंड, अगर आप इस रूम की भी कोई खिड़की पीछे रखना चाहें तो रख सकते हैं, आपकी खुद की जगह है ये चारों तरफ। तो ये रूम आपका काफ़ी सुंदर बन गया। अब इस रूम से ठीक सामने हमने देखी एक रूम और दिया है, 10 फीट बाई 11 फीट का, 11 फीट इस रूम की लंबाई है, 10 फीट इस रूम की चौड़ाई है। काफ़ी बड़ा स्पेसफुल रूम होगा, जिसकी एक खिड़की हमने पीछे की तरफ ओपन की है। अगर आप चाहें तो एक खिड़की इधर ओपन कर सकते हैं, और इस लेटरिन बाथरूम को आप अगर इस रूम में अटैच ना रखें तो आप इस रूम में भी रख सकते हैं, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है, यानी ये आपके पास ऑप्शन है, खुद के अनुसार आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये पूरा प्लान 30 बाई 40 के प्लाट के ऊपर बनाया गया है हमारे द्वारा, और मुझे पक्का विश्वास है आपको ये प्लान बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि उनको भी एक बेस्ट आइडिया मिल सके, अगर वो घर बनाए रहें तो वास्तु के अकॉर्डिंग क्यों नहीं बनाए। तो अपने मित्रों और फ्रेंड लोगों में भी, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें वीडियो को, और अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नीचे देखिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है, उस पर क्लिक करें, और सामने बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि सबसे पहले जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास वो वीडियो पहुंचेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल में सारे जो वीडियो हम अपलोड करते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग ही करते हैं, और आई थिंक आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे ये वीडियो।